वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स अभिजीत पाटिल एंड यू आर वॉचिंग AJP ट्रैवल्स। आज आपको मैं अपने बाइक का चेन लूप, चेन क्लीनिंग कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ चेन क्लीन एंड चेन। आज ये दो चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, मोतुल का C1 चेन क्लीन के लिए एंड C2 फॉर चेन लूपिंग। एंड आई एम गोना यूज द ब्रश फॉर चेन क्लीनिंग। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास कुछ रफ क्लॉथ भी हो ताकि आप चेन क्लीन करने के बाद चेन को अच्छे से पोंछ सके। कुछ इस तरह मेरी चेन दिख रही है, तो स्टार्ट करते हैं। हम यूज करेंगे ब्रश को, क्लीन करेंगे चेन को। सबसे बेस्ट तरीका है, स्टार्ट करो पार्क बाइक को और लेट रोल ऑन द बाइक। इस तरह से कुछ चेन क्लीन होना चाहिए। और इसका भी सबसे सिंपल वे, ये बाइक को स्टार्ट करो और क्लीन करो। लेट्स सी, इस तरह से कुछ चेन क्लीन हो जाता। अब देख रहे हो अच्छे से चेन क्लीन हो गया। और मेक श्योर करना, अगर आप चेन क्लीन के बाद बाइक वॉशिंग के लिए दे रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, और नहीं दे रहे हो तो फिर इसके बाद आप थोड़ा देर बाइक को स्पिन, बाइक का व्हील स्पिन होने के बाद थोड़ी देर के बाद आप लूप मारना। वी आर गोना यूज द मोतुल C2 चेन लूप जो कि रोड वायर है। मेक श्योर करना जब भी वो लूप करोगे तो अंदर वाली साइड में आप लूप करोगे ताकि जो रोटेशन होगा उस पॉकेट के साथ ही होगा और उधर ही लूप अच्छे से स्प्रेड हो। तो करते हैं स्टार्ट अपने बाइक को। ये साइड होने के बाद हम लोग जाएंगे उस साइड पे, फ्रंट फेसिंग अच्छे से और फिर अंदर वाले साइड जो कि सब लोग भूल जाते हैं। अपने बाइक को बंद करते हैं एंड दैट्स इट। आपको खाली ध्यान देना है कि हर 400 to 500 किलोमीटर्स के बाद आपका चेन क्लीन और लूप करना है ताकि आपकी बाइक अच्छे से मेंटेन रहे, स्मूथली चले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।